देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर कल के लेक्चर में मैंने बताया था कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज का वेटेज 16-17 मार्क्स का है, उसके अंदर स्पेसिमेन है, मैं बताया था, पढ़ लेना, शायद पढ़ लिए रहेंगे। उसके बाद प्रॉब्लम्स आते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर, जिसको जर्नल एंट्री पास करना पड़ता है अपने को। ओके, ये हमारे टेक्स्ट बुक का पहला प्रॉब्लम है, क्या है? आकाश ड्यू अ बिल ऑन दीपक। आकाश जो है बिल ड्रॉ कर रहा किसके नाम पे? दीपक के नाम। तो आकाश बिल ड्यू कर रहा है, तो आकाश इज अ ड्रॉवर। अ पर्सन हु ड्रॉज द बिल इज कॉल्ड एज ड्रॉवर। तो आकाश इज अ ड्रॉवर एंड दीपक इज अ ड्रॉवर। ये क्लियर हो गया? आकाश ड्रॉवर है और दीपक ड्रॉवर, इसमें कोई डाउट है? नहीं। आइए, फॉर 25,000 ऑन 23rd December 2019 फॉर 3 months दीपक एक्सेप्टेड द सेम एंड रिटर्न इट टू आकाश। दीपक ने क्या किया? बिल को एक्सेप्ट किया, बोला हाँ ठीक है, 3 महीने ना मैं पैसा दूंगा, 25,000 ना, ठीक है मैं दूंगा। तो बिल एक्सेप्ट कर रहा है, कौन एक्सेप्ट कर रहा है? दीपक। आकाश ड्रॉ कर रहा है और दीपक एक्सेप्ट कर रहा है, बराबर। आकाश ड्रॉ कर रहा है ये उम्मीद से कि पैसा आने वाला है, एनी अमाउंट रिसीवेबल, पैसा आने वाला है, एनी अमाउंट रिसीवेबल इज असेट। मैं बता था कल कि कोई भी पैसा अगर आने वाला है तो वो असेट है, बराबर। एंड असेट ऑलवेज डेबिट, असेट कभी क्रेडिट होता ही नहीं, असेट ऑलवेज डेबिट। इतना क्लियर है? तो पहला एंट्री पास करेंगे अपन, दैट इज बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, पैसा आने वाला। आकाश को पैसा आने वाला है, बराबर। किससे आने वाला है? दीपक से। तो एंट्री इज टू दीपक अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल डेबिट क्यों? क्योंकि बिल्स रिसीवेबल असेट है, असेट ऑलवेज डेबिट। दीपक क्रेडिट क्यों? क्यों? क्योंकि दीपक विल बी द गिवर, दीपक देने वाला है, दीपक इज अ पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, दीपक गिवर है तो दीपक क्रेडिट। समझ में आ रहा? पहला एंड बिल ड्रॉ का एंट्री, परचेज सेल का एंट्री पास नहीं करेंगे। क्यों? बोला नहीं है उसने, बोला है क्या भाई आकाश ने परचेज सेल किया? बोला है क्या? नहीं। जरूरी नहीं है कि सेल करने पर ही बिल ड्रॉ होता है, कोई जरूरी नहीं है, उधार लिया होगा तो बिल ड्रॉ हो गया रहेगा, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर परचेज सेल का एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है, हमको एंट्री क्या पास करना है? बिल ड्रॉन की, बिल ड्रॉन, आकाश ने बिल ड्रॉ किया। अब वही बिल कौन एक्सेप्ट कर रहा है? दीपक, दीपक एक्सेप्ट कर रहा है, दीपक को बिल का पैसा पे करना है। आकाश के लिए जो बिल रिसीवेबल है वही बिल दीपक के लिए पेएबल है। आकाश के लिए जो पैसा आने वाला है दीपक के लिए वही पैसा जाने वाला है। आकाश के लिए जो चीज असेट है दीपक के लिए वो चीज, आकाश के लिए वो डेबिट है तो दीपक के लिए वो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा? ओके, हाँ हाँ। तो दीपक के लिए क्रेडिट है, तो यहां लिखे टू बिल्स गया, यहां लिखते हैं, यहां टू बिल्स पेबल, बराबर। यहां पर दीपक बिल का पैसा पे करने वाला, किसको पे करने वाला है? आकाश। तो आकाश डेबिट, आकाश अकाउंट डेबिट, बराबर। तो जर्नल एंट्री कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं, हमेशा बोलते रहूंगा, समझो, जर्नल एंट्री पास कर लो। अपन ने यहां तक का पढ़ा, यहां तक, और उसके बेस पे दो जर्नल एंट्री मारे अपन ने, एक इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर मतलब आकाश, एक इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी मतलब दीपक।
आकाश एंट्री पास करेगा कि पैसा आने वाला है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट किससे आने वाला है, तो दीपक से आने वाला है। दीपक एंट्री पास करेगा पैसा जाने वाला है क्रेडिट किसको जाने वाला है, तो आकाश को। क्लियर? कितना अमाउंट 25,000 डेबिट में, 25,000 क्रेडिट में। डेट क्या है? डेट 23rd December 2020। और ठीक है, बात की बात है, एंट्री मारना सीख गए तो डेट और अमाउंट डालने में क्या है, डाल देंगे जल्दी एंट्री। कॉलम सबको आते हैं बट कॉलम में डालना क्यों नहीं आता, तो खाली वो सीख लेंगे ना। क्लियर है? पहले एंट्री में कुछ भी डाउट है पक्का कि भाई कभी भी बिल की बात आई ये चैप्टर के अंदर, तो जो बिल ड्रॉ करेगा उसको बिल का पैसा आने वाला है। आने वाला है मतलब रिसीवेबल, रिसीवेबल मतलब असेट, असेट मतलब डेबिट। जो पे करने वाला है उसका पैसा जाने वाला है, जाने वाला है मतलब पेबल, पेबल मतलब लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट। बराबर समझ समझता? रिसीवेबल असेट डेबिट, बिल्स पेबल लाइबिलिटी क्रेडिट। क्लियर है? पक्का एंट्री? कुछ भी डाउट है? नहीं, आगे बढ़। ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज ड्यूली ऑनर्ड बाय दीपक, और ड्यू डेट को दीपक ने पैसा भी दे दिया। ऑनर हो गया, ऑनर मतलब दीपक ईमानदार निकला, बराबर ना। लेकिन आगे क्या बोल रहा है वो, गिव जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ आकाश एंड दीपक अंडर ईच टू द फॉलोइंग केसेस। चार केस दिए, चारों केसेस में जनरल एंट्री क्या आएगी वो पूछ रहा। ठीक है, पहला केस, इफ आकाश अक्सा लिखा है, छोड़ो छोड़ो, आकाश अक्सा बन गया। इफ अक्सा रिटर्न द बिल टू द मैच्योरिटी, मतलब आकाश ने बिल को रिटेन किया टिल मैच्योरिटी। मैंने कल के लेक्चर बोला था कि चार कंडीशन आती है, सबको मालूम है। देखो एट द एंड ऑफ द ईयर हमको ये तो कोई भी ऐसा कोई भी नहीं बैठा यहाँ पे कि बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, कुछ ना कुछ तो मालूम ही अपने ऑफिस क्या आता है। चार कंडीशन रहती है, या तो बिल रिटेन होगा, या तो डिस्काउंट होगा, या तो एंडोर्स होगा, या तो बीएफसी को जाएगा, बराबर ना। ये चार कंडीशन एक होएगा, तो उसने बोला चारों कंडीशन के हिसाब से एंट्री पास करिए, बताओ। ठीक है, ये पहले एंट्री में कोई डाउट है? नहीं, ओके चलो। दूसरा एंट्री देख, बिल रिटेन करने, क्या है बिल रिटेन करना, रिटेन। ओके, बिल रिटेन का मतलब क्या होता है प्रज्योत? बिल रिटेन का मतलब होता है बिल अपने पास रखना। कल के लेक्चर ने बोला था कि कभी भी कोई भी चीज में अगर ट्रांजैक्शन नहीं बनता है, मतलब बिल जा रहा नहीं है, तो जनरल एंट्री भी नहीं बनती। बिल रिटेन कर रहे अपन, हमारा बिल था, हमको साइन करके दिया था दीपक ने, हमने हमारे पास रखा था, और कब तक रखा था? टिल मैच्योरिटी, मैच्योरिटी तक हमारे पास ही था बिल। मतलब इन ड्यूरेशन में, तीन महीने के ड्यूरेशन में बिल गया क्या मेरे पास से, कुछ आया क्या मेरे को? नहीं, तो एंट्री पास नहीं होगी, बराबर। ये समझा? समझा? जैसे ही तीन महीने हुए मैं आ गया सामने दीपक, दीपक पैसा, बराबर। तो दीपक क्या कर रहा है? पैसा दे रहा है। दीपक क्या कर रहा है? बिल ऑनर कर रहा है ना, पैसा दे रहा है ना मेरे को। अरे दे रहा है, नहीं दे रहा है? दे रहा है। ऑनर बोला ना, ऑनर मतलब दीपक पैसा दे रहा है। दीपक पैसा दे रहा है तो पैसा मेरे को आ रहा है, जो आ रहा है वो डेबिट, पैसा आ रहा है ना, तो क्या लिखूंगा मैं? कैश अकाउंट डेबिट बराबर टू टू। अब जब दीपक मुझे पैसा देगा तो मेरे को क्या बोलेगा, क्या चाहिए उसको? बिल चाहिए, बराबर ना। देखो यहां पे दो जनरल एंट्री बन सकती है, मैं बताता हूं। एक तो कैश अकाउंट डेबिट टू दीपक अकाउंट, हो सकता है ये एंट्री भी पॉसिबल है क्योंकि दीपक इज द गिवर, बराबर ना। कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है, कौन दे रहा है? दीपक दे रहा है, तो जनरेटी रॉन्ग नहीं है। लेकिन ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज में रॉन्ग है। क्यों बिल्स ऑफ एक्सचेंज में रॉन्ग है? क्योंकि अगर कैश अकाउंट को डेबिट करके दीपक को क्रेडिट करो अगर, तो जो बिल था मेरे पास, जो बिल मेरे पास था वो मेरे पास ही है। अरे मेरे पास ये ना, फॉर एग्जाम्पल आज का ड्यू डेट था, मैं बोला दीपक को, दीपक पैसे दे, दीपक ने दे दिया पैसे, मैं इसे बिल नहीं लिया, मैं चला गया, मैं वापस कर आया, मैं दीपक पैसे दे,
तो कल तो दिया था, कब दिया? बिल तेरे पास है कि मेरे पास है? बिल तो सर आपके पास है, तो ला वापस दे पैसे। अपन मारा मैं क्या बोल रहा हूँ? बोले मतलब क्या है कि कल के लेक्चर में बताया था ये चीज कि जब अपन बैंक में भी जाते हैं चेक लेके, तो बैंक वाला अपने को पैसा तो देता है बट चेक ले लेता है। बैंक वाला हमको पैसा तो देता है बट चेक ले लेता है। मतलब यहाँ पे क्या सीन है? एक हाथ दो एक हाथ लो भाई। मतलब तू तेरे को पैसा चाहिए तो मैं देता हूँ, दीपक बोलेगा, लेकिन मेरे को बिल तो दे। तो एंट्री क्या बनेगा हमारे लिए, आकाश के लिए, ड्रॉवर के लिए? कैश अकाउंट डेबिट, पैसा जा रहा है तो सॉरी बिल जा रहा है तो बिल अकाउंट क्रेडिट, पैसा आ रहा है अर्णव तो कैश अकाउंट डेबिट, क्या जा रहा है मेरे पास से? बिल जा रहा है तो बिल अकाउंट क्रेडिट, पैसा आया कैश अकाउंट डेबिट भाई, बिल जा रहा है बिल तो टू बिल्स रिसीवेबल, जो बिल था मेरे पास हो गया। अरे समझा गया, क्लियर है? ऑनर की एंट्री पक्का बराबर सेम दीपक के हिसाब से देखते हैं अपन। दीपक क्या बोलता है? दीपक क्या बोलेगा? हाँ चलो ठीक है, तूने गलत नहीं बोला कि बिल्स रिसीवेबल टू कैश, तूने ये बोला ना, बट ये रिसीवेबल नहीं, क्या आएगा? पेबल, क्योंकि दीपक के लिए तो पेबल था वो, बिल तो वही था बट दीपक के लिए वो पेबल था। दीपक क्या बोलेगा? मेरे पास बिल आया पैसा गया। समझ में आ रहा? क्लियर है? कुछ भी डाउट है एंट्री में? पक्का पहला केस क्लियर, श्योर ना? चलो आगे, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या केस है? इफ आकाश डिस्काउंटेड द बिल विद द बैंक एट 6% पर एनम ऑन द सेम डे। मतलब अब वो रिटेन वाला कंडीशन भूल जाओ, अब नया कंडीशन हो रहा है कुछ। वो बोलता है वो रिटेन नहीं कर रहा है बिल, क्या कर रहा है? डिस्काउंट कर रहा है। अब डिस्काउंट क्या होता है मैं बताया था कल, क्या कि भाई आकाश ने जिस दिन बिल बनाया, आकाश ने जिस दिन उधार दिया, उसी दिन उसको पैसे की जरूरत पड़ गई। हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी, सुबह में बिल बनाया और शाम तक जरूरत पड़ गई पैसे की। जब पैसे की जरूरत पड़ गई तो आकाश क्या करेगा? आकाश पैसे मांगेगा दीपक से, और दीपक क्या बोलेगा? नहीं, 3 महीने का टाइम दिया भाई तूने, सुबह से शाम भी नहीं हुए, 3 दिन नहीं हुए अभी तक, 3 घंटे हुए खाली, तो पैसा मांग रहा है यार। तो आकाश दीपक को जबरदस्ती कर सकता है क्या? नहीं नहीं कर सकता भाई। क्यों कर सकता है भाई? बिल साइन किया बिल के भाई 3 महीने बाद ही दूंगा, 3 months आफ्टर डेट पे टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज फलाना ढिंकाना जो भी है, बराबर ना? अरे बराबर ना, कि 3 महीने का बिल बनाया भाई, इधर इधर निकला इधर, 3 महीने का बिल है भाई। तो एक लीगली आकाश दीपक से 3 महीने बाद ही पैसा ले सकता है, जबरदस्ती कुछ नहीं कर सकता, तो जबरदस्ती कुछ नहीं कर सकता, 3 महीने के बाद ही बिल लेगा आकाश, बराबर। तो ऐसे केस में आकाश 2 दरवाजे खटखटा सकता है, या तो बैंक का, या तो एक थर्ड पार्टी का, जहां पर इसको एंडोर्स ही बोला था यहां पर, बराबर। वो बात की बात, ठीक है सुनना भाई। अब बैंक का, यहां पे बैंक बोला ना, आकाश डिस्काउंटेड द बिल विद द बैंक, आकाश गया बैंक में शांतनु बिल ले गए। हाँ आकाश की हाइट छोटी है तो काउंटर पे दिख रहा नहीं उसको। हाँ हो गया, आगे बढ़ते हो गया। तो आकाश बैंक में जब जाता है तो बैंक बोलता है भाई हम पैसा देंगे तेरे को। बैंक क्या बोल रहा है? भाई पैसा देंगे तेरे को, लेकिन हमको 3 महीना वेट करना पड़ेगा ना, 3 महीना 3 महीना वेट करना पड़ेगा, क्योंकि बिल का पैसा 3 महीने बाद आने वाला है। तो कुछ चार्जेस कट करेंगे, वो चार्जेस को यहाँ पे डिस्काउंटिंग चार्जेस बोला जाता है, ठीक है? कुछ भी चार्जेस कट करे यार ना, वो लोग पैसा दे रहे ना, वो लोग पैसा आ रहा ना मेरे को, तो पैसा अकाउंट डेबिट। चार्जेस कट कर रहे वो मेरा लॉस है,
तो लॉस अकाउंट भी डेबिट, चार्जेस कट करे ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, 11th स्टैंडर्ड नॉमिनल अकाउंट गोल्डन रूल्स। पैसा आ रहा है, पैसा अकाउंट डेबिट, बराबर लॉस हो रहा है, सो हम लॉस हो रहा है लॉस, तो लॉस अकाउंट भी डेबिट, मतलब डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट। हमको पैसा देंगे, हमको लॉस होगा, वो लोग हमसे क्या लेंगे, बिल ले लेंगे खाली, बोले बिल हमको दे दो बस, बराबर। तो एंट्री क्या बनेगा, एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है, या कैश लिखो तो भी चलेगा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, टू बिल्स रिसीवेबल। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? पहला केस था रिटेन केस, रिटेन केस में हमारे पास से पैसा बिल नहीं गया, बट दूसरा केस कौन सा है, डिस्काउंटिंग केस है, मतलब हमारा बिल जा रहा है, कहां जा रहा है भाई, कहां जा रहा है, बैंक में जा रहा है। हमको क्या आ रहा है, हमको पैसा आ रहा है और हमको लॉस भी हो रहा है, वो लॉस का नाम डिस्काउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्लियर है? मतलब कहां लिखा है डिस्काउंट का पैसा, फाइंड करेंगे ना अपन, क्या ग्राहक बोले करने दे, मैं करने दे, मतलब क्या कैश बैंक और डिस्काउंट का एंट्री डिस्काउंट नहीं पास करेगा, ऐसा नहीं चलेगा, क्यों नहीं पास करेगा, हर ट्रांजेक्शन का जल्दी एंट्री बनेगा भाई, एंट्री पास करना पड़ेगा, डिस्काउंट भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो रहा है, हर ट्रांजेक्शन का जल्दी एंट्री पास करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। अब बिल कितने का था, 25,000 का था, कितना 6% डिस्काउंट, तो इंटू 6/100 इंटू कितने महीने का बिल था, 3 महीने का बिल, कितने महीने का, 3 महीने का, वो 3 महीने के बिल को कितने दिनों के बाद डिस्काउंट किया, कुछ नहीं बोला, सेम डे, मतलब बिल की मेच्योरिटी को अभी भी 3 महीना बाकी है, जितना महीना बाकी है ना उतना लिखने का, फॉर एग्जाम्पल 1 महीने बाद डिस्काउंट करता तो 2 महीना बाकी है, तो 2 महीना लिखेंगे, समझ में आ रहा है ना, सेम डे डिस्काउंट किया है तो अभी कितना महीना बाकी है, 3 महीना, मतलब बैंक को 3 महीना वेट करना पड़ेगा, बैंक को जितना वेट करना पड़ेगा उतने महीने का डिस्काउंट लगे, समझा, नीचू नीचू ऊंचू ऊंचू, बराबर 6 1 6 2 बराबर 2 1 2 125 बराबर ना, 125 into 3 375 is a discounting charge, बराबर, तो discounting charge 375 है, 25,000 का बिल था और हमको on the spot bank ने 24,625 रुपया दिया, 24,625, समझ में आ रहा है, बराबर, हमको पैसा मिल गया, बिल किसका हो गया, बैंक का हो गया, बिल का मालिक कौन, बैंक, हमारा पैसा हो गया लेके, अब ऑन द ड्यू डेट दीपक बोला पैसा लेने भेजो, दिन हो गए 3 महीना, 3 महीना हो गया ना, तो पैसा लेने अभी दीपक से मैं जाऊंगा या बैंक जाएगा, बैंक जाएगा, पैसा मेरे को मिलेगा क्या, नहीं मेरे को तो मिल चुका है, मेरे को पहले ही मिल चुका है, मेरे को मिलेगा वापस पैसा, नहीं पैसा किसको मिलेगा, बैंक को मिलेगा, पैसा जिसको मिलेगा वो एंट्री पास करेगा ना, पैसा मुझे मिलेगा क्या, नहीं, तो मैं एंट्री पास करूंगा क्या, तो डिस्काउंट के केस में अगर बिल ऑनर होता है तो उसकी जनरल एंट्री पास नहीं करते हैं, क्योंकि मेरे से कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, समझ में आ रहा है क्या हो रहा, डिस्काउंट के केस में अगर बिल ऑनर हो गया तो जनरल एंट्री पास नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि भाई मेरे से रब्ता खत्म हो गया बिल का, बिल तो मैंने उसको दे दिया था बैंक वाले को, अब पैसा उसको आ रहा है, मेरे को थोड़ी आ रहा है, जो पैसा नहीं आएगा ना तो प्रॉब्लम होगी, वो बाद में देखेंगे अपन, पर यहाँ पे पैसा क्या आ रहा है, आ रहा है, ऑनर हो रहा है, समझ में आ रहा है, डिस्काउंट के केस में पैसा ऑनर, क्लियर है? बात आती दीपक की, दीपक क्या एंट्री पास करेगा, तो दीपक क्या बोलता है कि तू बिल रिटेन कर, डिस्काउंट कर, एंडोर्स कर, के बिल को जला दे,
कि फेंक दे, कि सड़ा दे, कि गला दे। ड्यू डेट में आने का पैसा दूंगा मैं, मतलब मेरे पास से हर केस में, मेरे पास से हर केस में पैसा जाएगा, मेरे को खाली बिल देने का बस। हर केस में मेरे पास से पैसा जाएगा, कोई भी आएगा बिल लेके आने का, बिल दूंगा मैं। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट एले पैसा, बराबर ना? अरे समझ में आ रहा है क्या दीपक बोल रहा? क्लियर है पक्का? ओके, तीसरा केस क्या है? एंडोर्सी ना, क्या है यहाँ पे? क्या है यहाँ? बीएफसी है। ओके, बीएफसी। आकाश सेंड अ बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो बैंक फॉर कलेक्शन क्या होता है समझने का? बीएफसी बैंक फॉर कलेक्शन एक बैंकिंग के थ्रू हमारे लिए हेल्प है। इट इज लाइक अ लॉकर सिस्टम। बैंक हमारे को क्या बोलता है, आपका बिल जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। और जब मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल, नेगोशिएबल मतलब जो जिसको मिला बिल उसका हो जाएगा। अभी आपसे गलती से घूम गया, अगर मंथन को मिल गया तो मंथन का हो गया वो बिल, अगर अर्णव का मिल गया तो अर्णव का हो गया। अर्णव तो नॉन नेगोशिएबल को भी नेगोशिएबल कर देगा, बराबर ना? तो बिल तो नेगोशिएबल ही है। बहुत समझ में आ रहा है? मतलब जिसको मिला उसका, तो आपसे शायद घूम जाए, आपसे शायद फट जाए, आपसे शायद कुछ हो जाए उसको, तो एक काम करो, हमारे को दे दो बिल। बिल की जिम्मेदारी हमारी। ये कौन बोल रहा है? ये बैंक हमारे को बोल रहा है। बैंक का एक अलग से अकाउंट खोल दो, दैट इज बैंक फॉर कलेक्शन। बैंक फॉर कलेक्शन क्या बोल रहा है कि भाई बिल की जिम्मेदारी हमारी, बिल के मालिक हम नहीं है, मालिक आप ही हो सर। पैसा आपको ही आएगा, हम सिर्फ आपके बिहाफ पे बिल को संभाल के रखेंगे, क्योंकि आप हमारे एक महत्वपूर्ण कस्टमर हो। ओहो, इम्पोर्टेंट, इसलिए आपके लिए हम इतना करेंगे कि हम लोग आपको ये सुविधाएं देंगे कि भाई बिल हमारे पास रहने दो, ड्यू डेट पे आपको भी जाने की जरूरत नहीं दीपक के पास, हम जाएंगे ना, हम जाएंगे उससे पैसा लेंगे, आपके अकाउंट में डाल देंगे, आप बेफिक्र रहो। ठीक है, समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? ओके, जब बीएफसी के पास बिल जाता है तो अपन बोलते हैं कि बीएफसी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। वंस अगेन बिल जा रहा है, देखो बिल क्या हो रहा है, जा रहा है, और डेबिट क्या कर रहे हैं अपन? बीएफसी बैंक फॉर कलेक्शन। द वर्ड बैंक फॉर कलेक्शन इज अ पर्सनल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर। बीएफसी रिसीवर है बिल का। बीएफसी क्या कर रहा है, बिल रिसीव कर रहा है ना, इसलिए तो डेबिट हो रहा है वो। अरे बराबर ना? बीएफसी बिल को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। देखो समझने का, एंट्री क्यों मार रहे हैं अपन, याद भी कर सकते अपन। रिटेन हुआ एंट्री नहीं आएगा, डिस्काउंट हुआ बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। एंडोर्स हुआ एंडोर्सी टू बिल्स रिसीवेबल। बीएफसी हुआ बीएफसी टू बिल्स रिसीवेबल। हर केस में टू बिल्स रिसीवेबल, लेकिन क्यों बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट क्यों? क्योंकि बिल जा रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिल्स रिसीवेबल इज एसेट, एसेट इज अ रियल अकाउंट, रियल अकाउंट जा रहा है, बराबर। बीएफसी इज अ पर्सनल अकाउंट, डेबिट रिसीव। बीएफसी बैंक फॉर कलेक्शन है, बैंक फॉर कलेक्शन हमारा बिल रिसीव कर रहा है। क्लियर है? ओके, अब ये बिल ऑनर हो गया, पैसा किसको आएगा प्रज्वल? पैसा किसको आएगा, हमको क्या बैंक को? नहीं, पैसा तो हमको ही आएगा, आकाश को ही आएगा। मैं बोला ना, उसने क्या बोला, सर हम तुम्हारे बिहाफ पे सिर्फ तुम्हारा काम कर रहे, खाली बिल को ऐसा रख रहे हमारे पास, पैसा आदित्य हमारे को ही आएगा, पैसा हमको ही आएगा। खाली इतना है कि कैश में नहीं आएगा, हमारे अकाउंट में आएगा, क्योंकि बैंक हमारा काम कर रहा है ना, मेरे घर पे आके पैसा नहीं देगा वो, तो सर आपके अकाउंट में आ जाएगा पैसा। समझ में आ रहा है? तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया बैंक में ऑनर के टाइम पे। समझ में आ रहा है?
पैसा कौन लाके दे रहा है हमको? बीएफसी. बीएफसी इज अ गिवर. बीएफसी इज अ पर्सनल अकाउंट एंड बीएफसी इज अ गिवर. यहां पे बीएफसी इज द रिसीवर ऑफ बिल और यहां पे बीएफसी इज द पेयर ऑफ या गिवर ऑफ अमाउंट मनी. समझ में आ रहा है? तो जनरल एंट्री समझेंगे तो एंट्री पास कर लोगे आराम से. क्या बोला उसने कि बिल ऑनर हो गया है. कौन सा केस है? बीएफसी का केस है. समझना फट से फरा. बीएफसी का केस है, बिल जा रहा है. पहले तो बिल जाएगा किसके पास? बीएफसी के पास. जनरल एंट्री क्या पास करूंगा? बिल गया. किसके पास गया? बीएफसी के पास गया. एंट्री क्या मारूंगा? बीएफसी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल. पैसा आया कहां आया? बैंक में आया. किसने लाके दिया पैसा? बीएफसी ने. बैंक फॉर कलेक्शन लाके दिया हमको. तो बैंक फॉर कलेक्शन इज अ गिवर. बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन. समझ में आ रहा है? देखो एंट्री समझो. एंट्री बाय हार्ट मत करने जाओ, भूल जाओगे. एंट्री समझो, हर एंट्री आ जाएगी अगर समझ जाएगा तो. ठीक है, पक्का? ओके. फिर से बात आती है दीपक की. दीपक क्या बोलेगा कि भाई, फिर से बार बार बोलता हूं कि भाई मेरे को बिल ला के दो, मैं पैसा दूंगा. बिल्स पेबल, बिल दो मैं पैसा दूंगा. बिल्स पेबल टू कैश. कौन बोल रहा था? दीपक बोल रहा, बार बार बोल रहा. नेक्स्ट लास्ट एंट्री. लास्ट एंट्री क्या है? आकाश ने एंडोर्स किया बिल. आकाश एंडोर्स द बिल टू हिज क्रेडिटर वीरेन. क्रेडिटर समझता है? क्रेडिटर क्या होता है? क्रेडिटर इज अ पर्सन जिसको हमें पैसा देना है. तो वीरेन नाम का कोई बंदा था. वीरेन नाम का बंदा था. बोलो बोलो. वीरेन नाम का बंदा था जिसको आकाश ने क्या कर दिया? बिल दे दिया. भाई बिल तू ले ले. क्यों दिया रहेगा? क्योंकि आकाश, आकाश को वीरेन को पैसा देने का होगा. मतलब वीरेन देख, मेरा पैसा तो नहीं है, मेरे पास ये बिल है 25,000 रुपए का. दीपक देने वाला पैसे 3 महीने बाद. एडजस्ट कर लेना थोड़ा प्लीज. 3 महीने बाद तू दीपक से ले ले पैसा. वीरेन इज अ क्रेडिटर ऑफ आकाश. वीरेन जो है वो आकाश का क्रेडिटर है. मतलब वीरेन ने पास्ट में कभी आकाश को उधार दिया रहेगा तो वो आज पैसा मांगने को आया है. वो पैसा मांगने को जब आया तो आकाश ने क्या बोला? देख मेरा पैसा तो नहीं है, ये बिल ले ले मेरे पास. ड्यू डेट आएगा ना, डेट आएगा ना, देखो बिल पे डेट लिखिए. देख वो डेट आएगी ना तो जा दीपक के पास, दीपक पैसा देगा. नहीं दिया ना मेरे को बोल. समझ में आ रहा है? नहीं दिया तो मुझे बोल, मैं बताऊंगा देखो क्या करना है आगे. क्लियर है? तो बिल आकाश किसको दे रहा है? वीरेन को. बराबर, किसको भी दे रहा है, बिल जा रहा है उसके पास से. बराबर, तो बिल गया तो टू बिल्स रिसीवेबल. फिर से गया, किसको दे रहा है? वीरेन को. वीरेन डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि वीरेन पर्सनल अकाउंट है. डेबिट द रिसीवर, ये बिल का रिसीवर है. क्या हुआ? बराबर ना, वीरेन पर्सनल अकाउंट है ना, नाम है तो पर्सनल अकाउंट है ना, और वीरेन क्या है? बिल का रिसीवर है. तो डेबिट द रिसीवर. हाँ वेरी गुड, क्रेडिट गिवर. क्लियर है एंट्री? बराबर. अब नेक्स्ट, अब बिल मैं दे दिया वीरेन को. ड्यू डेट आया, डेट आ गया, वीरेन जाएगा पैसा देने दीपक से. दीपक पैसा दे रहा है वीरेन को. ऑनर बोला ना दीपक दे रहा पैसा. दीपक किसको दे रहा पैसा? वीरेन को. हमको दे रहा है? आकाश को दे रहा है क्या? जब आकाश को पैसा ही नहीं आ रहा तो आकाश ऑनर का एंट्री पास नहीं करेगा. एंट्री उसी का पास होगा जिसमें आकाश को फर्क पड़ेगा. आकाश को पैसा आया रिटेन में, उसने एंट्री पास किया. आकाश को पैसा आया बीएफसी केस में, उसने एंट्री पास किया बैंक अकाउंट डेबिट. लेकिन अभी ये केस में पैसा तो वीरेन को आ रहा है ना, तो वीरेन को बोला एंट्री पास करने को. आकाश क्यों पास करेगा? तो आकाश एंट्री यहां पे पास नहीं करेगा. सारे केस में दीपक तो एक ही एंट्री पास करेगा. क्या? मेरे को पैसा दो मैं, सॉरी मेरे को बिल दो मैं पैसा दूंगा. बिल्स पेबल टू कैश. समझ रहा?
समझा, चार चीज, चार चीज, या तो बिल रिटेन होगा, या तो डिस्काउंट होगा, या तो बीएफसी, या तो एंडोस। रिटेन रहा तो बिल हमारे पास रहेगा तो पैसा हमको आएगा, डिस्काउंट हुआ तो बिल हमने दे दिया बैंक को तो पैसा बैंक को आएगा, बीएफसी हुआ तो बिल हमारे पास रहेगा, भले से बैंक के पास रहेगा लेकिन बिल तो हमारा है, सेफ्टी के लिए रखा है हमने, तो हम एंट्री पास करेंगे, पैसा आया, अरे बराबर ना। बट एंडोर्स के केस में बिल हमारे पास नहीं रहता है, इसको याद है, हमारे क्रेडिटर को, थर्ड पार्टी को, एंडोर्सी को, तो पैसा उसको आएगा तो एंट्री वो पास करेगा, मैं क्यों पास करूं? समझा, क्लियर है, पक्का? तो ये सब हो गया है।